सीआरटी के टॉपिक क्या है? उसे तो तुम्हारी मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़े, इसकी थोड़ा सा तुम्हें आगे चल रहा है, तो फोटो का मुझे साथ साथ ही कराना है दोनों का, उनका साथ ही तुम्हारे टेस्ट वगैरह होगा, साथ ही सिलेबस कंप्लीट ही हो जाएगा। दो ही चार्जेस है पेमेंट, लेकिन अगर तुम सैटरडे वगैरह है या फ्राइडे को मेरी कमी रहती है, एक्सक्यूज मी सर, क्लास लेना पड़ेगा। वो स्लैग नहीं कर रहा, बट तुम्हारे ट्वेल्थ में क्या बहुत ही कम है, बहुत ही मतलब तुम्हारे कैपेसिटी में तुमको पढ़ाया उसका 30% तुमको पढ़ाया है, मतलब इतना कम पढ़ाया है, तो इसी लिए तो क्लोज थोड़ा आगे चल रहा है, तुम्हारा बैलेंस नहीं करना है, जिससे मतलब बोर्ड का जो पेपर उनका हो वो तुम्हारा भी हो जाए। अब देखो इसको बच्चों, इसे ग्रिफिथ एक बुक है, ठीक है ना, ग्रिफिथ इसको मैग्नेटो स्टैटिक्स भी लिखता है, ये तुम पढ़ोगे ग्रेजुएशन में। अच्छा इसको बच्चों मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म क्यों कहते हैं, या कई कुछ इसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी लिखते हैं, और मैग्नेटोस्टैटिक्स की क्यों बोलते हैं ये भी बताऊंगा। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म क्या है, करंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, मतलब मूविंग चार्ज क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तुमने ये पढ़ा होगा सर, अगर चार्ज स्टेशनरी हो तो क्या क्रिएट करता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मोशन में हो तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करेगा। अब मतलब मोशन अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है यूनिफॉर्म, बट अगर ये एक्सेलरेशन भी है, बच्चों मोशन तो कर रहा है बट एक्सेलरेशन भी है, तो इस केस में क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी एमिट करेगा, ठीक है, क्रिएट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी क्रिएट करेगा ना, मैं बताऊं कैसे क्रिएट करेगा, जब ये दवाई तो पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, बताऊं क्यों। अब बात दिक्कत में आ रही है बच्चों, देखो आपने ये कहा सर अगर चार्ज स्टेशनरी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, मोशन में क्या करेगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करेगा, तो बताओ सर आपने कहा कि अगर जो करंट है या ठीक है या मूविंग चार्ज वही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, स्टेशनरी वाला नहीं कर सकता, तो कुछ समझ में आना चाहिए, सोचना चाहिए तुमको, वही मोशन तो रिलेटिव होती है ना, कोई चीज रेस्ट में या मोशन में बदल सकते हो क्या, तुम रेस्ट में हो क्या, तो नहीं रह सकते। हाँ भाई तुम सर की चारों 32 किलोमीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हो, बहुत तेज स्पीड है, मान मान लो 30 किलोमीटर दूर रह रहे हो, एक सेकंड में पहुंच जाओगे आई थी ना, देख सकते हैं, ओके। तो कोई भी चीज ऐसे रेस्ट या मोशन में है नहीं, तुमने ये कैसे बोल दिया कि स्टेशनरी या स्टेशनरी डिफाइन नहीं हो सकती, तो ये कह दिए स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, अगर भाई मान लो तुम अपोजिट डायरेक्शन में तो खुद ही मूव करने लगो, चार्ज तुम्हारे रिलेटिव को मूव करने लगा था, तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करा था सर, अब ये मूव करने लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करने लगा, ये कैसे आ गया। हाँ समझ पा रहे हो, एक फ्रेम से कह रहे हो सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, एक फ्रेम से कह रहे हो सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, कोई चार्ज मूव भी कर सकता है और वैसे भी कर सकता है, साइमल्टेनियसली वो डिपेंड इस पर करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर,
कह सकते हो ना। तो ये थोड़ी सी डेफिनेशन गलत है कि मूविंग चार्ज क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड। वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वैसे क्या है, एक दूसरे के काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट समझते हो अंग्रेजी का वर्ड, काउंटर पार्ट समकक्ष, जैसे मैं प्राइम मिनिस्टर हूं ये भी प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री तो कॉम्पिटिटिव कॉम्पीट कर रहे हैं काउंटर पार्टी है। मतलब ऐसा नहीं दोनों में कोई डिफरेंस है, वो किस पर डिपेंड करता है, फ्रेम पर डिपेंड करता है। इसीलिए क्या बोलते हैं बच्चों पूरे चैप्टर, मतलब ये इसमें आता है दोबारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये पढ़े होंगे तो लास्ट में लिखा था लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या बच्चों, ये फ्रेम पर ही डिपेंडेंट है। और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने बताया था याद है क्लास में तुमको, यूजिंग आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर वो मोशन कर रहा है बच्चों किसी बॉडी के रिलेटेड, तो उसके फ्रेम में टाइम स्लो स्लो गिनता है। जैसे मान लो तुम यहाँ से किसी स्पेसशिप में चले गए, ठीक है, स्पेस में जब लौट कर आओगे तुम्हारी घड़ी में टाइम क्या होगा, कम दिखाएगा। अच्छा टाइम कम दिखाएगा तो डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी टू टाइम। तो भाई तुम्हारे घड़ी में टाइम कम दिखा रहा है, तुम्हारे हिसाब से डिस्टेंस भी क्या होगी बच्चे, कम तो होगी ना। इसे कहते हैं लेंथ कंट्रैक्शन। क्या बोलते हो, लेंथ कंट्रैक्शन। अगर तुम्हारे रिलेटिव कोई चीज मूव कर रही है, ठीक है, जब तुम उसके रिलेटिव मूव कर रहे हो, ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या है, कम दिखाई। मान लो जैसे मान लो क्या 5-6 फुट का है और मुझे 6 फुट दिख रहा है, बट अगर मान लो मैं 100 मीटर पर से मूव कर रहा तो क्या 6 फुट का रहेगा क्या, नहीं, थोड़ा सा कम हो जाएगा, मान लो 2 फुट का हो ऐसा समझ। अरे आगे बात समझ में, ये होता है लेंथ कंट्रैक्शन। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बच्चों देखो ये कोर्स में नहीं है, समझा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैसे फ्रेम पर डिपेंड करता है। मान लो तुमने क्या लिया, एक बच्चों वायर ले लिया, वायर बच्चों कंडक्टर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, नहीं होता। तो जैसे जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही क्या होता है, न्यूट्रल मतलब कहीं भी न्यूट्रल होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होंगे बच्चों, इक्वली स्पेस होंगे, राइट। अगर इक्वली स्पेस नहीं होंगे, मान लो इधर क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, इधर क्या हो गया नेगेटिव हो गया, तो करंट बहेगी ना, वैसे ही रख दो करंट रहेगी। तो क्या होते हैं बच्चों, इक्वली स्पेस होते हैं ये, तो ये न्यूट्रल एक नहीं, ठीक है ना। मान लो तनिष्क और बन की लड़ाई होगी, मान लो तनिष्क ने बन का दाल लाल कर दिया, चार्जिंग वाली फ्रिक्शन हो गई, हुआ हुआ ना। मान लो वन का पॉजिटिव चार्ज है, क्या अभी इस पर कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं। वायर को एक फोर्स लगा रहा है बच्चों, नहीं लगा रहा है ना, क्यों। अरे भाई ये न्यूट्रल है, ये भी रेस्ट में है, क्या कोई ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है क्या, नहीं। भाई मोशन हो रहा है क्या चार्जेस का, नहीं। अभी देखो ये मूव करने लगा बच्चों, मान लो बालिका ही मूव करने लगी, ठीक है, किस वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अरे यार ये बात समझ, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मान लो तुम करंट किसी कारण मान रहे हो नेगेटिव चार्ज के कारण, तो भाई इसके रिलेटिव कोई करंट फ्लो हो रही क्या, वन के रिलेटिव नहीं, वन के रिलेटिव कोई करंट नहीं फ्लो हो रही। और अभी भी क्या है बच्चों तुम्हारा,
अभी भी क्या करवाया, जैसे मान लो ये न्यूट्रल ही है, क्यों कंसोल साहब अभी भी क्या बच्चों न्यूट्रल है क्यों? अगर मान लो ये इधर मूव करने लगा तो यहाँ वाला इधर आ जाएगा, यहाँ वाला इधर आ जाएगा, यहाँ वाला इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। पर टेंशन हिसाब से ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है और ये मूव भी कर रही है, तो मतलब इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। टेंशन कह रही है सर इस पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, और वन जगह कह रही है सर उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा, क्यों सर? मेरे हिसाब से कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रही, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से है? जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं है, है ना? यारी बात समझ, तो मैग्नेटिक फोर्स लगे तो डिफ्लेक्ट कर रहा होगा, एक फ्रेम से कह रहे हो सर डिफ्लेक्ट हो रही, दूसरे फ्रेम से कह रहे हो डिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तो कहाँ पड़ेगा फोर्स? फोर्स तो भाई जैसे मान लो सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे मान लो तुम बाल्टी पानी ले लो और चूहा है, गिर नहीं रहा है, पानी नहीं गिर रहा है, तो किसी फ्रेम से देखो पानी नहीं गिरेगा ना, थोड़ी एक फ्रेम से पानी गिरता हुआ दिख रहा है, एक फ्रेम से पानी नहीं गिरता हुआ दिख रहा है, एक फ्रेम में नहा रहा है, एक फ्रेम में नहीं नहा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है ना? तो जाहिर सी बात है इसमें भी कुछ हो रहा है जो हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, इसमें लेंस का अट्रैक्शन हो रहा है। कैसे हो रहा है? अगर पानी का मूव करने लगे वी वेलोसिटी से, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन आपके सॉरी जो पॉजिटिव आयन से इधर मूव करेंगे, इसके रिलेटिव मूव कर रहे हैं, इनके रिलेटिव बच्चों क्या होगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तुम्हारे पॉजिटिव आयंस क्या आ गए बच्चों? अरे पास पास आए, नहीं आ गए, अरे कैसे आ गए तुम्हारे पास पास आ गए? इलेक्ट्रॉन से कंपैरिजन में आ नहीं आ गए बच्चों? अरे आ गए ना पास पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो इसके रिलेटिव मूव कर नहीं रहे थे, बट पॉजिटिव आयंस इसके रिलेटिव मूव कर रहे थे। अभी बताओ क्या अभी ये न्यूट्रल रहा क्या? नहीं, अभी न्यूट्रल नहीं रहा, पॉजिटिव चार्ज पास पास आ गए, नेगेटिव वाले दूर चले गए, अभी न्यूट्रल नहीं रहा, यूनिट जीरो नहीं हुआ। अभी क्या लेगा बच्चों इस पर पानी का? इलेक्ट्रिक फोर्स लेगा, क्या लेगा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया ना, तो कौन सा फोर्स लेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। और तरसे साथ क्या लेगा? मैग्नेटिक फोर्स। तो एक फ्रेम में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, दूसरे फ्रेम में क्या लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। तो वास्तव में क्या है, दोनों बच्चों क्या है? इंडिपेंडेंट। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अरे ठीक है, उस थोड़ा थोड़ा मतलब ये फील आई होगी कि वास्तव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है, वास्तव में दोनों फील्ड बच्चे एक दूसरे पर क्या है डिपेंडेंट है। ठीक है भाई, अच्छा इस चैप्टर पर आते हैं, ये तो मैंने वैसे ही आपको कुछ करने के लिए बता दी। चैप्टर पर आते हैं, चैप्टर का नाम क्या है? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मतलब तो मान लेना कि चार्ज बच्चे जब मूव करेगा क्या करेगा, क्या क्रिएट करेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, चार्ज है प्लस मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट करेगा। अब उसे ये मत कहना कि सर ये तो करना चाहिए, ठीक है, बस मान लेना। अरे ठीक है भाई, ओके। अच्छा सबसे पहले बच्चों इस पर आते हैं, मैग्नेट होता क्या है? ठीक है, अरे मैग्नेट होता क्या है ये बताओ, लास्ट टाइम से पढ़ा रहा हूँ। एक और प्रॉपर्टी थी, आज कह रही है कैसा बता रहा है? मैग्नेटिक डिफाइन एक या मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन क्या होता है? डालने हम साथ में हैं।
देखो मैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, तो कोई भी मैग्नेटिक्स मैग्नेट होता है जो फेरोमैग्नेटिक सब्सट्रेट से जैसे आयरन कोबाल्ट निकेल को अट्रैक्ट करता है, और जब उसको फ्रीली सस्पेंड करे तो हमेशा का रास्ता अपने आप को नॉर्थ साउथ में लाइन कर लेता है। ये गलत डेफिनेशन है, मैंने ये लिखवा है और मैंने उसमें बताया भी था क्यों गलत, या तो नहीं होगा तो डेफिनेशन ही नहीं आती कैसे आता। अरे ठीक है ना, मैग्नेट क्या है बच्चों, एक सब्सटेंस है जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है और जब फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो हमेशा अपने आप को नॉर्थ साउथ में लाइन करता है। अब मैं बताऊंगा क्यों गलत है, ठीक है ना, ये मेरा पार्सल है आगे।
अब ये स्टेबल है, मतलब स्टेबल कब रहेगा डाइपोल, जब ये अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कर लेगा, अब क्या रहेगा ये स्टेबल रहेगा। तुम्हारा मैग्नेट भी एग्जैक्टली ऐसा होता है, उसमें भी क्या होता है नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। नॉर्थ पोल बच्चों तुम पॉजिटिव एंड मैग्नेटिक चार्ज से दिखा सकते हो, और साउथ पोल इक्वली क्या होता है तुम्हारा इक्वल स्ट्रेंथ होता है, तो क्या होगा वो माइनस एम होगा, ये मैग्नेटिक चार्ज हो गया। मान लो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो यहाँ पर क्या फोर्स लगेगा बच्चों इस पर, एम भी इधर और इस पर क्या लगेगा बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अरे आगे पास सी के घूमता है वो, अरे क्यों अर्थ क्या करती है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, क्या करती है मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई भी अगर मान लो तुमने ईस्ट वेस्ट नहीं कर दिया तो क्या करेगा बच्चों, मान लो ईस्ट वेस्ट में कर दिया तो फील्ड क्या है तुम्हारे बच्चों नॉर्थ साउथ की ओर, इस पर फोर्स किधर लगा एम बी इधर और इस पर किधर लगा इधर, किधर घूमेगा ये नॉर्थ साउथ में रहने, ठीक है ना। तो क्या ये कहना सही है, अब इसमें दिक्कत क्या आती, क्या ये कहना सही है कि हमेशा अपने आप को नॉर्थ साउथ में लाइन करता है, क्यों गलत है। सही स्टेटमेंट क्या है, ये हमेशा अपने आप को नेट फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करता है, अरे इधर करता है हमेशा अपने आप को फील्ड की डायरेक्शन में, और वो भी कौन सी नेट फील्ड की डायरेक्शन, नेट फील्ड की डायरेक्शन जिससे इस पर टॉर्क क्या हो जाए बच्चों जीरो। बट अगर कोई दूसरी फील्ड है नहीं तो चले किसकी, सिर्फ अर्थ की है तो सिर्फ अर्थ की चलेगी, और अर्थ की फील्ड इधर होती है साउथ और, तो अपने आप को इधर अलाइन कर सकते, ठीक है ना भाई। हमेशा अपने आप इधर करता है नेट फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेट इधर करता है ऐसे अपने आप नेट फील्ड की डायरेक्शन, बट अगर कोई है नहीं दूसरी तो चलेगी इसकी सिर्फ अर्थ से लेगी, ठीक है बेटर लग रहा है बात करते हैं। बट अगर सोचो अर्थ की तो है ही बच्चों, जो तुम्हारी कंपस है वो नीडल, तुम्हारा कंपस नीडल होती है मैग्नेट ही होता है, तो भाई ये नॉर्थ साउथ है और ये क्या तुम्हारा, अच्छा मान लो सिर्फ अर्थ की फील्ड है बच्चों, तो किधर अलाइन करेगा मैग्नेट अपने आपको, या नीडल आपको किधर अलाइन करेगी, किधर अलाइन करेगी, मान लो फील्ड इधर है अर्थ और फील्ड को भी कह दिया, मान लो पार्ट भी जनरेट कर रहा है, तो अभी क्या हो गया, क्या अभी ये नीडल नॉर्थ साउथ में रह गया, नहीं अभी नेट फील्ड बच्चों कहां जाएगी, इसके बीच से समथिंग आएगी तो कंपास नीडल क्या हो जाएगी बच्चों, अरे घूमी कि नहीं घूमी, घूम गई ना, डिफ्लेक्शन आई नहीं आया, क्यों आया डिफ्लेक्शन पार्ट की फील्ड ही कारण, अरे ठीक है ना एक दूसरी फील्ड आई, तो दूसरी फील्ड आई बच्चों तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया चेंज हो गया, उसकी वजह से क्या है रिफ्लेक्शन है, अरे आई बात समझ में, ठीक है ना यही हो रहा है स्प्लिट के एक्सपेरिमेंट का होल पॉइंट था, राइट ठीक है ना। और एक बात और बता रहा हूँ कि तुम्हारा जो मैग्नेट होता है जैसे जैसे ये क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसी तरह ये मैग्नेट क्या मानते हैं मैग्नेटिक डाइपोल, फॉर्मूले भी सेम ही आते हैं, सेम फॉर्मूले आएंगे देखना, ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अच्छा हाँ आगे बात समझ में, ओके अब ध्यान देना इलेक्ट्रिक के एक्सपेरिमेंट क्या था, अरे यही बात इलेक्ट्रिक के एक्सपेरिमेंट क्या था, उसने बच्चों एक वायर लिया, मान लो शुरुआत में करंट फ्लो नहीं कर रही थी, मान लो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कर दी, ओपन सर्किट कर दी, तो किधर अलाइन करेगा बच्चों का मसल में नॉर्थ साउथ, किधर अलाइन करेगा नॉर्थ साउथ, बट अगर मान लो करंट फ्लो कर रही है तभी क्या आएगी बच्चों दूसरी फील्ड लाइन नहीं आएगी, दूसरी फील्ड लाइन क्या हमेशा ये नॉर्थ साउथ ही करेगा क्या, नहीं इसमें डिफ्लेक्शन आया, क्यों ये हमेशा अपने आप किधर अलाइन करेगा नेट फील्ड की डायरेक्शन, जब डिफ्लेक्शन आया इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कोई दूसरी फील्ड आई, और किसने जनरेट किया, अरे करंट ने जनरेट किया,
उसने क्या किया था भाई, एक वायर लिया था, जैसे उसने वायर में करंट फ्लो कराई तो कंपास नीडल पहले नॉर्थ साउथ पे पॉइंट कर रही थी, उसमें क्या आया, डिफ्लेक्शन आया, डिफ्लेक्शन आया इसका मतलब कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड आ गई और किसने प्रोड्यूस किया बच्चों करंट, जैसे करंट बंद कर दिया उसने फिर से नॉर्थ साउथ को लाइन में रहेगा सर। अच्छा इस चैप्टर का दूसरा नाम मैग्नेटो स्टैटिक्स क्यों है, अगर तुम्हारा बच्चा स्टेशनरी चार्ज तुम्हारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो करंट भी क्या होगी तुम्हारी कांस्टेंट, तो जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो भी क्या है कि बच्चों कांस्टेंट ही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रेस्ट में रहता है क्या बोलते हैं उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर इसमें करंट तुम्हारा कांस्टेंट है वेरी नहीं हो रहा है चेंज नहीं हो रहा है क्या बोलते हैं उसको मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है नाम क्लियर हो इसकी अरे ठीक है, ये था ओरेस्टेड का बच्चों एक्सपेरिमेंट, ये तुमको मैंने बताया था में याद है, याद है इससे रिलेटेड एक मूवी भी लिखवाया था याद है स्लो याद है हमारे मॉड्यूल में भी है के बाद के पास एक्सेस बटन को मतलब देखो सिक्स लो है देखा मैंने लगाया था देख क्या था सुनो रूल याद है किसी को, ये ओलेस्टेटिक एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड था सेंस टॉप प्राइस, अरे एसआर क्या था तुम्हारा साउथ और एन क्या था नॉर्थ, क्या था क्या था, अगर देखो बच्चों मान लो करंट तुम्हारा कैसे फ्लो रहा है, वायर जो है किधर फ्लो रहा है साउथ से नॉर्थ, अरे ठीक है ना, अरे यही बात समझ तुम्हारा मैग्नेट बच्चों किधर अलाइन करता है हमेशा अपने आप को साउथ से नॉर्थ, ये मान लो साउथ हो गया क्या हो गया नॉर्थ, अगर वायर को बच्चों किधर लगे ओवर मतलब करंट किधर से किधर फ्लो हो रहा है बच्चों साउथ से नॉर्थ और वायर किधर रखे मैग्नेट कंपास के ऊपर तो इसका डिफ्लेक्शन किधर होता है वेस्ट की ओर, किधर होता है इसका डिफ्लेक्शन वेस्ट की, वेस्ट मतलब मान लो ऐसे होते हैं चार डायरेक्शन, अगर साउथ नॉर्थ ऐसे हो गया तो बच्चों ईस्ट वेस्ट क्या होगा अंदर की ओर होगा, मान लो वेस्ट अंदर की ओर किधर डिफ्लेक्शन होगा तुम्हारा क्या हो रहा है बताओ, हाँ वायर क्या है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है जिसके कारण बच्चों नेट फील्ड में क्या आ रहा है चेंज आ रहा है, तो मैग्नेट किधर अलाइन करेगा अच्छा बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड था उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था यार किसी को चार्ज के राउंड का वो एरिया जहां पर दूसरे चार्ज का कर दे आज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा मैग्नेट के राउंड का वो एरिया जहां पर बच्चे दूसरे आपके मैग्नेट्स या तुम्हारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, फॉर एग्जांपल बच्चों एक मैग्नेट ले लो, क्या जरूरी है आयरन पीस को इससे चिपकाओगे तभी फोर्स लगेगा,
दूर भी रह दोगे फिर भी आकर चिपक जाता है ना, इसका मतलब क्या है बच्चों भाई? दूर से भी लगता है ना, इसके मतलब इसके रेंज में है, इसके इलाके में है, तो क्या लगेगा बच्चों इसका मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब ये तो एक मतलब वैसे हो गए कि इलाका है, अब कितना फोर्स लग रहा है? अरे भाई नजदीक रखोगे ज्यादा फोर्स लगेगा, दूर रखोगे क्या लगेगा? कम लगेगा। थोड़ा यहाँ पर रख दोगे मान लो, थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना। चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चों मेजर करने के लिए हमने क्या डिफाइन किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए क्या डिफाइन करेगा? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बट इसी को कभी कभी क्या बोल देते हैं बच्चों, जैसे मैंने बताया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हो, क्या बोलते क्या बोलते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोल देते हैं, इसीलिए क्या बोल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड शॉर्ट में बोल देते। बट सही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड क्या सिर्फ एरिया है, ठीक है। बट मैं भी मैग्नेटिक फील्ड ही बोल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बोल दो या क्या बोल दो बच्चों इसको? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। चाहे मैग्नेटिक फील्ड बोल दो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दो, चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोल दो, सत्ता एक अपना नाम ही है तो बता दूंगा, ठीक है। ज्यादातर मैग्नेटिक फील्ड ही लिखा रहता है, इसका सिंबल याद है किसी को? बी। और ये बच्चों क्या होता है? वेक्टर होता है। क्या होता है? वेक्टर होता है। कैसे डिफाइन करते थे? जैसे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते थे वैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को भी करेंगे, याद है कैसे? किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज का एक्सपीरियंस किया जा रहा है ना फोर्स, वही था मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा बच्चों? यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज कौन सा होता है बच्चों? नॉर्थ पोल। सो फोर्स एक्सपीरियंस बाय नॉर्थ पोल ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ, है ना। यूनिट पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, क्या कर देंगे? नॉर्थ पोल ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय नॉर्थ पोल ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? Force experienced by unit positive charge is called magnetic field intensity. Electric force experienced by unit positive charge is called electric field intensity. अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर positive charge को क्या बोलते हैं? North pole. तो magnetic force experienced by north pole of unit strength is called magnetic. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। अरे आ गई बात समझ में, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा तुम्हारा? मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा तुम्हारा? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था याद है? एफ बाई क्यू था ना। यहाँ पर क्या होगा बच्चों? एफ बाई बच्चों क्या होती है?
यू गेट अबाउट दिस दैट्स नाइस कंपनी का नाम याद है उसी के नाम से निकोला टेस्ला थे सर्दी का बार और पता था निकोला टेस्ला के बारे में आगे थे अभी आगे थे बाद में दूसरा माइग्रेट की थी यूएसए मैंने बताया था कि इनकी डिजाइन अभी भी चल रहे हैं इसका एक और बच्ची यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या है वेबर पर मीटर स्क्वायर ठीक है देखो कहाँ से आता है ये बता दे रहा हूँ इसको हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था बच्चों क्या होता था तुम्हारा ई एस कॉस थीटा ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था उसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता तुम्हारा बी एस कॉस थीटा या बी डॉट एस कॉस थीटा तो डायमेंशनलेस और यूनिटलेस है तो बी क्या आ जाएगा बच्चों फाइव बाई एस यूनिट वाइज में बोल रहा हूँ पॉसिबल नहीं तो यूनिट पॉसिबल ही कुछ होती है तो बच्चों फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर क्या होती है फ्लक्स यूनिट क्या होती है वेबर और एरिया क्या हो गया तुम्हारा मीटर स्क्वायर तो यहीं से आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर ठीक है दोनों क्या है तुम्हारा ये एसआई यूनिट क्या है एसआई यूनिट ठीक है एक होता है तुम्हारा सीजीएस यूनिट ये होता है बच्चों बॉस बॉस का नाम सुना है ना उसी के नाम पर रखा गया है टेस्ला को बच्चों कैपिटल टी से दिखता है और यहाँ पर लिए गए बॉस बॉस को दिखाते हैं कैपिटल जी आगे जी को ना एक टेस्ला में बच्चों कितने कॉस होते हैं 10 टू द पावर 4 कॉस ध्यान देना कन्वर्जन याद रखना कितने कॉस होते हैं 10 टू द पावर 4 कॉस याद रहेगा एक टेस्ला में कितने होते हैं या एक कॉस में कितने टेस्ला होते हैं 10 टू द पावर माइनस 4 अभी तक कोई डाउट है सीरीज काउंटिंग ठीक है आगे बच्चों तुम्हारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया ठीक है अब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कैसे होगी याद है जैसे हमने एक लॉ पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इससे सब कुछ लॉ निकलता है इससे सारा निकलता है याद है बाकी सिमिलर है हमने क्या पढ़ा था बच्चों कूलम्स लॉ पढ़ा था ना क्या पढ़ा था कूलम्स लॉ ये कैसा लॉ था बच्चों इसको ये फोर्स था 1 बाय आर स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं क्यों ये फोर्स क्या होता है मास प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर इसी तरह बच्चों इसमें क्या है तुम्हारा सैंगल नहीं बताया काफी सिमिलर है अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड समझे हो तो मैग्नेटिक फील्ड में आराम समझ आ जाएगी और इसमें बच्चों इसको इजी बनाने के लिए आ रहे हमने एक लॉ पढ़ा था क्या था कॉस लॉ और यहाँ पर क्या जाएगा उसकी जगह बच्चों एम्पियर लॉ आ जाएगा ठीक है जैसे वो इलेक्ट्रिक डायपोल था यहाँ पर क्या आ जाएगा मैग्नेटिक डायपोल आ जाएगा अरे फोर्स उसमें क्या था बच्चों क्यू ई था यहाँ पर क्या लिखोगे एम बी लिखेंगे उसमें बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या था तुम्हारा क्यू इंटू एल था यहाँ पर क्या लिखोगे हाँ एम इंटू एल जैसे वो कैपिटल एम से दिखा देते अरे ठीक है ना काफी कुछ सिमिलर है अरे ठीक है भाई तो कूलम्स लॉ कैसे आया था बच्चों याद है किसे कैसे डिराइव किया था क्या कुछ एक प्रोपोर्शनलिटी नहीं है हाँ प्रोपोर्शनलिटी जैसे इसको नाम याद नहीं आ रहा प्रोपोर्शनलिटी का मतलब मूला तो पाती सूत्र बोलते हैं याद है तुम लोगों ने पहले जब एक अदर फॉर्मेट डिराइव करने का शुरुआत में पहले केमिस्ट्री में करते हो फॉर्मेट ड्राइव करने का
जैसे मान लो S66 S12 O6 का डिराइव करना फॉर्मूला, तो ये आता है ना, क्या कहते हैं उसको, प्रोपोर्शनल मतलब क्या बोलते हैं, क्या नाम नहीं आ रहा फिजिकल रूल थोड़ा बहुत देर में जरा कैसे मुझे आ रहा है। देखो तो ये भी इंपेरिकल, अरे उसमें रेशियो निकाल देते ना, तो वही है जैसे जैसे उसमें डिराइव किया था कि फोर्स क्या होता है, केवल क्यूब के डायरेक्टली में वो स्लो होता है 1/RS² के इनवर्सली में वो स्लो होता है, ये एक्सपेरिमेंट से आया था ना, अरे इसके पीछे कोई लॉजिक तो था नहीं भाई, तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया था। वैसे बायर सेवर्ट लॉ भी बच्चों क्या है उसी तरह है, सिमिलर है, ठीक है ना, कूलम्स लॉ काम करता है इसी, बाकी सारे तुम्हारे आएंगे, बाकी सारे फॉर्मूले किससे आएंगे तुम्हारे, बायर सेवर्ट लॉ से ही आएंगे। अब देखो इसका मतलब बहुत ही वो नहीं है, मतलब ये डिराइव करने को आया है, कभी कूलम का डिराइव करने को आया क्या, नहीं है आर्टिफिशियल गैस में, तो कुछ है नहीं, तो डिराइव करने को नहीं आया, इसलिए मैं वैसे लिखवा दे रहा हूँ। अब देखो उसमें क्या था बच्चों, पॉइंट चार्ज था, क्या था यहाँ पर पॉइंट चार्ज था, बट यहाँ पर पॉइंट चार्ज होगा क्या, डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, छोटा सा क्यों लेंगे, याद है जैसे मैंने बताया था अगर दो बड़े गोले ले ली तो आर कैसे मानोगे इनके बीच में, अरे भाई अगर मान लो यहाँ पर चार्ज है किनारे किनारे तो आर गलत हो गया ना, तो भाई क्या किस पर लागू हो जाता है, कूलम से पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस के बीच की डिस्टेंस तुम डिफाइन कर पाते। इसी तरह तुम्हारा मान लो एक वायर है, बहुत बड़ा वायर है, इस पॉइंट पर तुमको फील्ड निकालना है, अब बताओ इस वायर की इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस, ठीक है ना, जबकि अगर बहुत ही छोटा वायर लिए पॉइंट साइज का तो क्या होगा, अभी तो एक ही डिस्टेंस आएगी ना, ठीक है ना, इसीलिए क्या लेंगे बच्चों हम एलिमेंट बहुत छोटा सा लेंगे, और छोटे से लेंथ क्या बोलते हो, छोटे से लेंथ को डीएस बोलते हो, यहाँ पर क्या बोलते हैं किसी को डी एन एल्फा लेंथ, ठीक है ना, तो अगर कोई छोटा सा वायर है कितने लेंथ का, अगर वायर बड़ा होता तो आर डिफाइन कर पाते क्या, नहीं कर पाते, मान लो करंट की डायरेक्शन ये हो गई बच्चों और ये आर की डायरेक्शन ये हो गई, एंगल कितना बन रहा है थीटा, और ये कितना तुम्हारा करंट आई, और इसके लेंथ क्या है, इस पॉइंट पर मुझे फील्ड पता करना है, ठीक है ना, ताकि नहीं ही हुआ सर डायग्राम समझ आ गया, एक वायर है उसमें करंट कितना हो रहा है बच्चों आई, इसकी लेंथ कितनी है डी, इससे आर डिस्टेंस पर एक क्या है पॉइंट है, इस पॉइंट पर क्या करना है हमको फील्ड पता करना है, ये जानते हो कौन सा एंगल हो गया, ये डीएल की डायरेक्शन और आर की डायरेक्शन, ठीक है, आर की डायरेक्शन हो गई ना, और ये क्या हो गई बच्चों किसकी डायरेक्शन हो गई, करंट तो वेक्टर थोड़ी है, करंट क्या तुम्हारा स्केलर, लेंथ एलिमेंट तुम्हारा वेक्टर है, तो ये क्या है बच्चों डीएल, इधर करंट की डायरेक्शन होगी वही क्या होगा तुम्हारा डीएल की डायरेक्शन, और उसमें कितना करंट हो रहा है, सिचुएशन क्लियर है, मुझे क्या पता करना है मैग्नेटिक फील्ड है, तो अच्छा अगर बच्चों वायर छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटी ही आएगी, अरे छोटा वायर है तो बड़ा थोड़ी प्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा, राइट, फील्ड भी क्या करेगा बच्चों,
यही प्रोड्यूस करेगा। तो मान लो इसने कितना फील्ड प्रोड्यूस किया बच्चों, बी। अब बी ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डीवी। तो डीवी बच्चों कॉमन सेंस सोचो किससे किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ये आर है। अच्छा इतना करंट फ्लो करेगा बच्चों, इसके प्रोपोर्शनल होगा। और क्या होता है कि 1/r² लॉ है, मैंने बताया था, नहीं बताया था, जितना दूर पॉइंट होगा उसके डिस्टेंस के आर स्क्वायर क्या होगा, इनवर्स के प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा इतना बड़ा वायर होगा उतना ज्यादा फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डीएल। और एक इसमें इंपॉर्टेंट बात ये भी आती है, डीवी प्रोपोर्शनल होता है बच्चों साइन थीटा के, इसके प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के। साइन थीटा क्या है, ये जो एंगल है किसके बीच है बच्चों, डीएल और आर के बीच, इसका साइन ले लिया है, उसे क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी सब तो क्या करेंगे, कूलम्ब्स लॉ में क्या कर सकते, कंबाइन कर लिया था, डी किया था ना, इसमें क्या कर लेंगे सबको कंबाइन कर लेंगे, क्या आ जाएगा डीवी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आई डी एल साइन थीटा बाई, इसमें भी याद है प्रोपोर्शनलिटी लगाए थे, नहीं लगाए थे, क्या था 1/4π, यहाँ पर लगा देंगे बच्चों, देखो 4π तो रहेगा ही बच्चों, अरे 4π तो रहेगा ही, बट यहाँ पर 1/ε0 क्या आ जाएगा बच्चों, म्यू नॉट आ जाएगा, क्या जाएगा म्यू नॉट आ जाएगा, बता रहा हूँ म्यू नॉट क्या है, वो बोलेंगे इसको म्यू एल यू। बाकी क्या बचा, आई डी एल साइन थीटा बाई, ये क्या आ गया बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेट, भाई अभी तुम्हारे बोलना बंद किया, राइट साइड पर ये चित्र बना लेना, ठीक है, और वायर स्ट्रेट बनाना, ठीक है, ज्यादा ना करंट की डायरेक्शन नहीं होती, करंट की जो डायरेक्शन होती है उसके अलावा जो लेंथ लेते हैं क्या बोलते हो, क्या बोलते हैं उसको, बताओ ड्राइविंग लाइसेंस, अब इस तरह से मान लो हो गया हमारा भाई, गया है ना कहीं, नहीं गए छोड़ जाएगा बाबू, आज तक नाम बता लिखा है, हो गया म्यू नॉट क्या है बच्चों, कॉन्फ्रेंस लाइन तुम्हारा अच्छा तो आप खेत वगैरह है क्या, तो क्या देखा है कभी क्या पाइसेंस बढ़ाए हुए हैं, कवर की बोलते हैं पाइसेंस बढ़ाए,
अलग सारे बोल दे दिया इसी खेत में तुमको भी गाड़ देते देखो मी नॉट क्या है जैसे उसमें था सन नॉट क्या था परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम परमिटिविटी क्या थी बच्चों याद है किसी को स्पेल भी आता है परमिटिविटी क्या थी इतने अच्छे से पोलराइज हो जा रहा था जब उसको हम जैसे फील्ड में रख रहे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो तो ये मटेरियल है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा ये मान लो न्यूट्रल है तो न्यूट्रल का मतलब ये थोड़ी है कि कोई चार्ज ही नहीं है क्योंकि तो मतलब ये इतना पॉजिटिव होता है क्या है निगेटिव तो पॉजिटिव चार्ज ऑफ फोर्स में लगेगा बच्चों फील्ड की डायरेक्शन और निगेटिव चार्ज ऑफ फोर्स में लगेगा फील्ड के अपोजिट अभी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्या हो गया अलग अलग हो गए अरे पोल बन गया ना तो इसी को क्या बोलते हो पोलराइजेशन तो कितने अच्छे से पोलराइज हो जा रहा है उसे क्या बोलते हो बच्चों परमिटिविटी कंडक्टर क्या हो जाता है उसकी परमिटिविटी बहुत हाई होती है इनफाइनाइट अरे पढ़ा ही नहीं पढ़ा इसी तरह बच्चों इसको बोलते हैं म्यूनॉट को परमिएबिलिटी क्या बोलते हैं परमिएबिलिटी आप कौन सा होगा बच्चों फ्रीज एयर या वैक्यूम बोलते हैं ओके ताकि और कौन कौन गाँव है ओरिजिनली रखते हो तो क्या होता है
ये अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता? क्यों अट्रैक्ट करता है? कुछ पुराना जन्म का रिश्ता है ऐसा कुछ नहीं? क्यों रिश्तेदार है? हाँ आदमी तो मुझे पता है क्यों कर रहा है। वास्तव में बच्चों क्या कर देता है, इसको मैग्नेटाइज कर देता है, तो यहाँ पर क्या बनता है? साउथ के नजदीक नॉर्थ बन जाता है, उसके नजदीक यहाँ पर क्या होता है बच्चों? साउथ। अभी साउथ नॉर्थ क्या करेंगे बच्चों? ये ऐसा समझ लो ये वास्तव में सही फिनोमेनन है। ये भी क्या बन जाता है बच्चों? मैग्नेट। अच्छा एक मान लो मैग्नेट ले लिया तुमने, ये देखा होगा मैग्नेट से खेला है, मैंने बताया था ना चुप का कहाँ मिलता है, खिलौने में मिलते हैं, रोटरी मोशन करते हैं। रोटेटरी मोशन के लिए क्या होता है बच्चों? क्या चाहिए होता है? अरे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है। अरे बताया था कैपेसिटर में। ओके तो अगर मान लो मैग्नेट ले लिया, यहाँ पर आयरन पीस लगा दी, तो यहाँ पर कभी दूसरा आयरन पीस लगाओ तो चिपक जाता? नहीं चिपक जाता है। अरे चिपक जाता है ना, थोड़ी इसी साइड चिपकेगा, इस साइड भी चिपकेगा। क्यों? ये खुद भी क्या बन गया है बच्चों? ये मैग्नेट बन गया। तो ये वास्तव में मैग्नेटाइज जितना अच्छे से होगा उतना परमिएबिलिटी क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी। तो आयरन की परमिएबिलिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। आयरन बहुत अच्छे से मैग्नेटाइज हो जाता है ना, जबकि एल्यूमिनियम क्या होगा बच्चों? ना जैसे मैग्नेटाइज एल्यूमिनियम को चिपकाओ तो नहीं चिपकता। देखा नहीं देखा? एल्यूमिनियम नहीं चिपकता, गोल्ड वगैरह नहीं चिपकता, कॉपर नहीं चिपकता, सिल्वर नहीं चिपकता, बहुत कम ही चिपकते हैं तुम्हारे मैग्नेट्स। आयरन उनको वाइट निकलते हैं ठीक है। तो कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि मेटल को अट्रैक्ट करता है, मेटल को अट्रैक्ट नहीं करता। ये सारे जो बताए एल्यूमिनियम कॉपर गोल्ड सिल्वर सारे मेटल ही है, सबको अट्रैक्ट नहीं करता। अरे ठीक है, तो कितना अच्छे से मैग्नेटाइज हो जाएगा वही क्या है उसका मेजर? परमिएबिलिटी। आयरन की परमिएबिलिटी क्या होगी? ज्यादा ही कम? ज्यादा। लाइक कंडक्टर की क्या थी बच्चों? परमिटिविटी काफी ज्यादा थी क्योंकि बहुत अच्छे से क्या हो जाता था? पोलराइज हो जाता था। अरे इतना अच्छे से पोलराइज हो जाता था बच्चों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती थी? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने बाहर इधर प्रोड्यूस की और इधर क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव इधर आ गया, निगेटिव इधर आ गया। तो ये इसने फील्ड किधर प्रोड्यूस की बताओ? पॉजिटिव से जो निगेटिव की ओर दोनों क्या है? तो अंदर क्या हो जाता है बच्चों? अरे पढ़ा था भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अंदर कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होती है? जीरो। क्यों? अरे ये पोलराइज हो गया ना भाई, इसी तरह तो होगा। और इसी तरह आयरन पीस क्या हो जाता है बच्चों? मैग्नेटाइज। इतना अच्छे से मैग्नेटाइज होता होगी परमिएबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? जैसे तुमने 1/4 πε/12 पढ़ी थी उसी तरह म्यूरोड बाई 4π की भी वैल्यू होती है। ये होती है 10⁻¹। यूनिट कैसे लिखोगे? इधर टेस्ला मान लो, टेस्ला मीटर स्क्वायर और यहाँ पर मीटर है, मीटर ही आ जाएगा। टेस्ला मीटर पर एम्पियर कितना जाएगा? टेस्ला मीटर पर यूज में नहीं आएगा, 10⁻¹ आ जाएगा। ठीक है, तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 4π × 10⁻¹ टेस्ला मीटर पर बच्चों। ये वास्तव में एक फोर्स है ना, यूनिट नॉर्थ पोल ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। यही से बात है, फोर्स वेक्टर होगा, ये भी वेक्टर होगा। अब इस डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? डी भी कितना आया था बच्चों? आई डी एन नॉट बाय फोर्स बाय आई डी एन साइन थीटा बाय आर। अच्छा बच्चों ये डीएल है तुम्हारा ठीक है ना, और ये क्या तुम्हारा आर क्या था?
एक क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है? ए बी साइन थीटा, थीटा क्या होता है? बीस का एंगल। तो बी एल क्रॉस आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बी एल आर साइन थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है बच्चों? यहाँ पर देखो डी एल साइन थीटा आर आ बच्चों, कमी किसकी है सर? आर की। सारी कमी पूरा कर देते हैं, नीचे क्या जाएगा? आर क्यू पर। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ बच्चों, बताओ मैं किधर ओरिएंट कर रहा हूँ? हाँ, तो ये बच्चों ऊपर वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड आ गया ना। अगर मान लो इसको मैं इसके फॉर्म में लिखूं, वेक्टर के फॉर्म में लिखूं, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं? डीएल क्रॉस आर लिख दूंगा। अरे क्या लिख दूंगा इसको? म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डीएल क्रॉस आर बाई क्या होगा बच्चों? क्या होगा? म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यू। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी बच्चों? अरे भाई वेक्टर क्वांटिटी मैंने बताया था, बराबर का मतलब क्या होता है बच्चों? डायरेक्शन ही बराबर होगी ना। अरे मल्टीप्लाई का साइन लगाया हो तो वेक्टर क्वांटिटी बराबर है, तो डायरेक्शन ही सेम होगी। तो इधर डायरेक्शन किसकी है? डीवी की, मैग्नेटिक फील्ड की। और इधर डायरेक्शन क्या जाएगा बच्चों? डीएल क्रॉस आर। तो डीवी की डायरेक्शन क्या होगी? डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे निकालते थे याद है वेक्टर को? कैसे? ए क्रॉस बी में बच्चों कैसे डायरेक्शन निकालते थे? ए की डायरेक्शन में होगी और जिधर घुमाते थे बी की डायरेक्शन में, थंब किधर पॉइंट करता था बच्चों? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आउटसाइड की। अरे साइड की ना सकते ना। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे निकालते थे? राइट हैंड थंब रूल से। ए की डायरेक्शन में उंगलियां और इधर बढ़ाते थे बी की डायरेक्शन में, थंब किधर पॉइंट करता था? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। ठीक है, एक और तरीका है बच्चों, थोड़ा सा इससे क्या हो जाता है मतलब सेम ही बात है। एक और तरीका है डीएल की डायरेक्शन का, करो बच्चों राइट हैंड थंब रूल ले दिए, डीएल की डायरेक्शन में राइट हैंड का थंब करो। अच्छा इस केस में डीएल क्रॉस आर किधर आएगा बच्चों? डीएल की डायरेक्शन में मिला क्या सर? डीएल की डायरेक्शन में मिले, ऑनलाइन वाले बच्चे भी कर ले भाई और आगे करिए, और इधर घुमाओगे आर की डायरेक्शन में, थंब किधर कर रहा है? ठीक है, इस तरीके ये हो गया। दूसरा क्या है? डीएल की डायरेक्शन में राइट हैंड का थंब करो, कर लो ऐसे, कर लिया, और उंगली किधर कर लो बच्चों? आर की डायरेक्शन। अभी जो पाम से पुश आ रहा है वो किधर पॉइंट करेगा? अंदर सेम डायरेक्शन। अरे ठीक है ना, कितना लिखो बता रहा हूँ, तो यही लाइन लिखना है तुमको, ये और ये बता रहा हूं। इसलिए लिख लो डायरेक्शन ऑफ बी इज अलोंग डीएल क्रॉस आर, डायरेक्शन ऑफ बी इज अलोंग डीएल क्रॉस आर, डायरेक्शन ऑफ बी इज अलोंग डीएल क्रॉस आर, एंड डायरेक्शन ऑफ डीएल क्रॉस आर, डायरेक्शन ऑफ बी इज अलोंग डीएल क्रॉस आर, ठीक है ना? ठीक है, एंड डायरेक्शन ऑफ डीएल क्रॉस आर and direction of dl cross r can be found out using right hand thumb rule, can be found out using right hand thumb rule. ठीक है, right hand thumb rule तुमको पता है सभी को, मैंने लिखवाया भी है वेक्टर पे, दोबारा नहीं लिखवाऊंगा, नहीं बताया तो अभी
ठीक है ना, स्पेस छोड़ देना, मतलब अगर उसको लिखना है तो स्पेस छोड़ देना, उसके नीचे लिख देना। अरे भाई डीएल की डायरेक्शन में रखने की उंगली है और उधर मुड़ोगे आर की डायरेक्शन में, थंब इधर पॉइंट करेगा। दूसरा भी सिमिलर है, ये भी राइट हैंड थंब रूल है। क्या करोगे, राइट हैंड की डायरेक्शन बच्चे क्या कर दिया, थंब इधर कर दिया, डीएल की डायरेक्शन उंगली इधर कर दिया, आर की डायरेक्शन पाम से कुछ किधर आ रहा है। लिख लो इसको, बता दे रहा हूं, इफ वी लिख लो गूगल लिख लो, फॉर आई लिखवा रहा तो पहले लिखवा दिया था बेटर, ये लिखवा दे रहा हूं, इफ यू इफ यू या इफ वी लिखो, इफ वी पुट आवर थंब अप राइट हैंड अलोंग डीएल, इफ वी पुट थंब अप आवर राइट हैंड अलोंग डीएल, if you put thumb up on right hand along direction of DA and spread fingers, मतलब right hand की कहाँ करना है, तो thumb up right hand में पहले उंगली left hand में spread करो, ठीक है, understood है, and spread fingers along direction of R and spread fingers along direction of R, then push from palm, push from palm will point in direction of, then push from palm will point in direction of magnetic field or DL cross R, will point in direction of magnetic field as a little, that is DL cross R, point in direction of magnetic field, that is DL cross R. अरे आगे बच्चों डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, बहुत ज्यादा यूज होगी। दो तरीके हैं, DL की डायरेक्शन में उंगली है, R की डायरेक्शन में, तो थंब किधर पॉइंट करेगा तुम्हारा, DL cross R की डायरेक्शन में, फिर की डायरेक्शन। दूसरा तरीका पुश फ्रॉम पाम वाला ही बता दिया, सेम। तुम लोग को ब्रेक तो नहीं चाहिए, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 6 पर आ जाना, ध्यान देना, ऐसा नहीं करना। जाओ ले Thank you.
Okay, I'm going to
पहला बच्चों और कुछ बहुत बात है कि अगर मान लो ये करंट की आरेशन है, क्या करंट ऐसा क्यों है और मान लो इतना बड़ा वायर है, ये जो पॉइंट है इसी के सीध में, ठीक है, आर डिस्टेंस का छोटा है, मतलब वायर छोटा ही है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट करेगा, बीपी कितना होगा, बताओ पार्ट भाई। अगर मान लो उसी की लाइन में है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सेम होगा, क्यों कि बच्चे पीएल की डायरेक्शन भी यही है और पी डायरेक्शन भी क्या है यही, दोनों के बीच एंगल कितना है, जीरो, थीटा जीरो है, तो साइन थीटा कितना होगा, और इसमें ये है ना जीरो बाई फोर पाई आइडियल साइन थीटा बन जाता है, ये है कितना है बच्चों, जीरो है, याद है ना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर उसी लाइन के लॉन्ग ही पॉइंट है करंट के लॉन्ग ही, तो वहां पर कोई भी क्रिएट नहीं होगी, समझ यही बात। दूसरा है इसमें बच्चों फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ वायर, चीज कर दे इसको, बीएल की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, बताओ डायरेक्शन क्या होती है, इधर करंट होता है, बट करंट की डायरेक्शन तो दूसरी थी, समझो छोटा सा इसी एलिमेंट, इसीलिए इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डीएल क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जैसे मान लो ये वायर है तो डीएल का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, इसकी लेंथ हो गई, बट डायरेक्शन क्या लोगे, इधर करंट फ्लो रहा है वो डायरेक्शन, अरे आगे ना सुन, दूसरा है अगर मान लो बच्चे फाइनाइट लेंथ वायर है, ठीक है, एक रैंडम पॉइंट में ले रहा हूं, उस पर तुमको फील्ड पता करना है, अब ये फॉर्मूला सभी पर लागू हो, कोई भी स्ट्रेट वायर है बच्चों, किसी भी स्ट्रेट वायर के कारण फील्ड का फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए, तुम्हारे बोर्ड में सिर्फ इनफाइनाइट लेंथ वायर का फॉर्मूला है, ठीक है ना, तो मैं बता दूंगा बोर्ड में ये डेरिवेशन भी नहीं है जो मैं कराने जा रहा हूँ, ठीक है, इसका एक डेरिवेशन है आसान तरीके वाला, कौन सा होता है बच्चों, जिससे बॉस लॉ था, इसमें क्या होगा एम्पियर लॉ, एम्पियर लॉ से डेरिवेशन है इनफाइनाइट लेंथ वायर की, ठीक है, बहुत ही आसान डेरिवेशन है, वो करवा दूंगा, ठीक है,
रिवीजन कोर्स में नहीं है बट इसको फॉर्मूला याद कर लेना, मतलब डिराइव मत करो, याद ही कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन करोगे याद कर लेना है क्या। मान लो एक फाइनाइट लेंथ वायर है, ठीक है ना, अब ऐसा डेरिवेशन नहीं कराता हूँ, हर जगह थोड़ा सा डिफरेंट कराते हैं, मैं बताऊँ क्यों मैं नहीं कराता ऐसा। ये जो रिजल्ट है बच्चों सभी पर लागू होता है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर केस पर लागू होता है। मान लो एक पॉइंट है बच्चों पी, ठीक है, दूसरा लिख लो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ऑफ फाइनाइटनेस। अरे भाई डीएल क्या था बच्चों, डीएल की लेंथ क्या थी, अरे टेंड्स टू जीरो था ना इसकी लेंथ तो, अरे फाइनाइट थोड़ी थी भाई इसकी लेंथ, वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ। अरे तुमने डीएल के कारण फील्ड निकाली ना बच्चों, तो डीएल क्या है, इसकी लेंथ फाइनाइट है क्या, नहीं, अरे बहुत छोटी है ना, टेंड्स टू जीरो है, लगभग पॉइंट है। तो अगर मतलब फाइनाइट लेंथ का वायर आ जाए तो उसके कारण फील्ड कैसे निकालना, ठीक है, कैसे निकालते हैं बच्चों। मान लो फाइनाइट लेंथ का वायर, ये मैंने इसको एक्सटेंड किया, देखो डॉट डॉट लिखा, तो यहां से मैंने क्या किया, इस पर परपेंडिकुलर बच्चों ड्रॉप कर दिया, ध्यान देना इसको क्लियरली सोचना, ये एंगल बच्चों किसकी चीज के बीच बना है, ये एंगल अल्फा है किसकी किसके बीच बना है, पहली बात तो ये परपेंडिकुलर होता है, तुमने क्या किया वायर से, क्या सॉरी पॉइंट से क्या किया, वायर पर परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर एक हो गया परपेंडिकुलर, और भाई एंगल के लिए दो साइड होती है, दो रेज होती है, दूसरा पॉइंट दूसरा लाइन क्या हो गई, तुमने इस पॉइंट को लाइन के एक एंड से जो तुम्हारा करंट एलिमेंट था उसके एक एंड से मिलाया, अल्फा क्या होगा बच्चों परपेंडिकुलर, और तुमने पॉइंट किसे मिलाया है, वायर के एक एंड से मिलाया है, और बीटा क्या हो गया, वायर को वायर के दूसरे एंड को किसे मिला होगा बच्चों, पॉइंट से, और पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर, बीटा क्या हो गया वायर के दूसरे एंड और परपेंडिकुलर, ठीक है, ध्यान देना याद रखना ये किसके किसके बीच बना है, अल्फा किसके बीच बना है, परपेंडिकुलर तो रहेगा ही, पहले वायर पर पॉइंट से करोगे वायर पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे, फिर दूसरी लाइन क्या होगी, एक एंड से मिला दिया, फिर दूसरा एंगल क्या होगा, दूसरे एंड से मिला दिया, ठीक है, परपेंडिकुलर कॉमन रहेगा बट एंड दोनों में क्या होगी मेरी कह, ठीक है ना, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस के लिए हेल्पफुल है बहुत, न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाओगे, नहीं पता होगा अल्फा बीटा ही नहीं पता है तुमको, अरे ठीक है भाई, डिफरेंट डीएल डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि सभी की डिस्टेंस इससे क्या डिफरेंट है, अब बताओ सारे डीएल कारण बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये डीएल इसकी भी डायरेक्शन, ये डीएल इसकी भी डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ इस पॉइंट पर किधर आएगा, इस पॉइंट की तरफ बहुत सारे डीएल है ना, बोला कर रहा है आर बनाओ, आर बनाया ये नहीं होगा, बना बनाने भाई सोचो,
इसी तो सोचो तुम उसको बता रही बाहर क्यों ना प्लेन के बारे में अंदर है कैसे और कैसे अरे ये अरे भाई अरे ऐसे था ना आर कहाँ गया था बच्चों इस वायर से उस पॉइंट पर गया था अरे ये था ना भाई आर रंग लगी थी वायर से पॉइंट की ओर ना कि पॉइंट से वायर की ओर अरे देखो भाई अरग ना लगाई थी मैंने वायर से पॉइंट की ओर अरे चेंज कर दो तो रियल क्रॉस आर भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर बच्चों आर की डायरेक्शन क्या होगी बताओ आर ये होगा तुम्हारा इसको मैग्नीफाई भी कर सकते हैं अरे आर ये हुआ बच्चों ये हुआ ठीक है ना वायर से पॉइंट को मिला है तो डीएफ डायरेक्शन में उंगलियां कर लो डीएफ डायरेक्शन में उंगलियां और आर की डायरेक्शन को किधर आ रहा है अंदर यहाँ भी देखो इससे कारण भी देख लो किधर आएगा डीएफ डायरेक्शन में उंगलियां आर की डायरेक्शन को किधर आ रहा है अंदर इधर भी देख लो किधर आएगा डीएफ डायरेक्शन में उंगलियां आर की डायरेक्शन को किधर आएगा अंदर की ओर अरे ठीक है ना तो सारे कारण बच्चों फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है सेम सारे क्या है सेम डायरेक्शन में तो सभी क्या कर सकते हैं अंदर दो तरीके से ऐड कर सकते हैं सारे सेम ही डायरेक्शन में सारे वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे अरे ठीक है ना तो लिख लो मैग्नेटिक फील्ड टू ऑल एलिमेंट्स आर इन सेम डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड टू एवरी length element is in same direction so it can be directly added so it can be directly added okay matlab yahan pe bachcho added ka matlab kya ho gaya integrate karna hai as a continuous system hai na bachcho kya kaha tha hoga integrate sirf baat integrate karne ke liye karoge koi random point par kya karoge bachcho छोटा सा एलिमेंट डीएल लेंगे और फिर क्या लेंगे रैंडम आर लेंगे रैंडम थीटा लोगे ठीक है अब बताओ नया चित्र बनाना भी इसमें बता देना इसमें थीटा क्या होगा इस एलिमेंट के लिए थीटा क्या होगा कोई कॉपी पर बना के बता सकता है थीटा क्या होगा सब दिखाना है तुमको कौन सा एंगल थीटा होगा ऐसे बनाना कैसे बना के दिखाओ अब ऐसे भी समझ नहीं ध्यान देखो अरे यहाँ पर देखो बच्चों डीएल और आर के बीच था ना एंगल आर किधर गया था अंदर गया था वायर से पॉइंट क्यू यहाँ पर देखो अरे ये डीएल हो गया आर क्या होगा बच्चों ये तो ये एंगल है ध्यान देना कौन सा एंगल है ये एंगल है अच्छा कर रही बात अरे आ गया समझ अब नया चित्र बनाना डेंजर डेरिवेशन कोर्स में नहीं है बट मैं करा दे रहा हूँ फील आएगा मान लो एक रैंडम पॉइंट पर चित्र लिए तुमने
देखो बच्चों, ये मान लो थीटा, मान लो ये क्या मान लो पाई, ठीक है ना। तो इसके कारण जो डी बी लिखोगे वो क्या लिखोगे, म्यू नॉट, क्या लिखोगे बच्चों, फॉर्मूला क्या है, आई डी एन, साइन थीटा बाई क्या होगा आर स्क्वायर, ये होगा काफी काम आसान हो जाए तो कि फाइव मेरा वेरी हो रहा है अल्फा से लेकर बीटा तक वेरी हो रहा है, ठीक है ना। अरे यार ये बात समझ, क्या थीटा के बारे में ऐसा कुछ कह सकते हो क्या, नहीं, फाइव तुम्हारा वेरी हो रहा है थीटा का, ठीक है, कहां से कहां तक, अल्फा से लेकर बीटा, यहाँ पर जब इलाज हो क्या बन जाएगा, यहाँ पर मिला क्या बन जाएगा। और बच्चों मुझे आर भी वेरिएबल है, तो मैंने बताया कि ऐसा तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते, थीटा ही वेरिएबल है और आर भी वेरिएबल है, मुझे एक ही वेरिएबल करना होगा, तो कैसे कर सकते हैं एक वेरिएबल के लिए, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कांस्टेंट तक नहीं होती, क्या इसके टर्म्स में, इसके और थीटा के टर्म्स में आर को लिख सकते हो, और थीटा को भी बच्चों कर सकते हो, देखो ये थीटा है तो ये कितना होगा बच्चों, 180 माइनस थीटा, तो ये 180 माइनस थीटा, ये 180 माइनस एंगल कितना हो गया बच्चों, 180 माइनस थीटा, और ये कितना हो गया बच्चों, 5, और ये कितना हो गया 90 प्लस इनपुट कितना आ गया 180, तो थीटा क्या आ गया बच्चों 90 आगे, तो साइन थीटा क्या होगा बच्चों, अरे साइन थीटा को भी रिप्लेस करना ना 5 के टर्म्स में, इसमें डीएल ही वेरिएबल है, ये बात सी वेरिएबल है, ये डीएल भी है ना भाई, ना ना ये इसका सब कुछ डीएस क्या होता है, डीएस कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर मैंने डीएल तो लिख दिया है, ठीक है, अरे समझ में आ गया भाई, डीएक्स क्या होता है तुम्हारा, वेरिएबल तो होता है ना, ओके, तो डीएल भी क्या तुम्हारा वेरिएबल है, तो डीएल को भी किसके टर्म्स में लिखना होगा बच्चों, फाई के टर्म्स में लिखना होगा, मैंने अरे देख लो थीटा वेरिएबल था, मैंने साइन थीटा को फाई टर्म्स में लिख दिया, आर वेरिएबल था, मैंने आर को भी किसके टर्म्स में लिख दिया, अरे जब इंटीग्रेट करना होता है सभी को भाई सिंगल वेरिएबल ही आता है ना, ठीक है ना, सभी को किसमें रखना होगा, थीटा के टर्म्स में, आर वेरिएबल था, आर को मैंने किसमें रख दिया डिफरेंशिएशन से आया होगा, एल को डिफरेंशिएट किया होगा, क्या आया होगा, डीएल आया होगा, ये आया होगा ना, तो देखो
ये क्या हो गया बच्चे तुम्हारा एन, तो टेन थी टेन फाइव क्या होगा बताओ बच्चों, टेन फाइव क्या होगा एल बाई डी, या एल क्या होगा डी टेन फाइव, तो डी एल बाई डी फाइव क्या होगा बताओ, डी तो कॉन्स्टेंट ही है, टेन फाइव क्या होगा एक स्क्वायर फाइव, तो डी एल क्या होगा बच्चों डी सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव, सारे करना बच्चों सिंगल वेरिएबल टर्म्स में लाना है, मैंने बताया ओरिजिनल फिगर में बच्चों ये एंगल इसी टर्म्स में लाना है, ये शुरुआत वाला एंगल नीचे वाला क्या है था? और ये वाला क्या है बीटा, एंगल किसकी उसी की वेरिएबल अल्फा और बीटा, तो यहाँ पर बच्चों ये मैंने क्या मान लिया फाइव, फाइव कहाँ से वेरी होगा अल्फा से बीटा, तो सारे किसमें टर्म्स कर दो बच्चों फाइव के टर्म्स में कर दो, काम आसान हो जाएगा ठीक है। कौन कौन वेरिएबल बच्चों, डी एल वेरिएबल है, डी एल को रख दिया, साइन थीटा एक वेरिएबल है उसको रख दिया, आर डी एक वेरिएबल है उसको भी रख दिया ठीक है, यही किया है, किसी को दिक्कत लिख लो तीनों को, किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज पूछ लेना, अल्फा मतलब कि तुम्हारा ये वायर की डायमेंशन टाइप का बता रहा है, वायर किस लिमिट के बीच है, दो वाला क्या है तुम्हारा अल्फा है और अपर वाला क्या है बीटा है, इसी बीच एग्जिस्ट कर रहा है ये फील्ड है, बता रही हूँ। अब तुमको एक जनरल पॉइंट के लिए डिफाइन करना होगा, तुम बीच में एक पॉइंट ले लो, अरे ठीक है ना भाई, बीच में एक पॉइंट ले लो उसको कर दो वेरी करा दो किसके बीच अल्फा और बीटा, मैंने क्या किया जनरल एक ऐसा ही ना यहाँ पर लिया ना यहाँ पर लिया, मैंने बीच में तो एक पॉइंट ले लिया एंगल थीटा हमने बताया था, इसको ये फाइव मुझे लेना ही है, थीटा को फाइव के टर्म्स में रख दिया, आर को फाइव के टर्म्स में रख दिया, डीएल को फाइव के टर्म्स में रख दिया, अब क्या करते हैं फाइव को कहाँ से कहाँ वेरी करा देंगे अल्फा और बीटा से वेरी कराते हैं, अब सारी वैल्यूज को रखो, क्या बच्चों फॉर्मूला बीबी कितना है, म्यू नॉट बाई फोर बाई आई डी एल साइन थीटा बाई, अब सारी वैल्यूज करो तो बच्चों डीबी कितना है म्यू नॉट बाई फोर बाई आई, आई कॉन्स्टेंट रहेगा, डी एल क्या दिखोगे बच्चों डी sec स्क्वायर फाइव क्या होगा डी फाइव, ये लिख दिया लिख दिया ना, और बच्चों साइन थीटा क्या होगा तुम्हारा cos फाइव, और यहाँ पर क्या तुम्हारा नीचे r क्या था बच्चों डी sec फाइव, तो क्या होगा डी स्क्वायर sec स्क्वायर फाइव, ये होगा sec स्क्वायर फाइव, sec स्क्वायर फाइव क्या होगा बच्चों बताओ प्लस हो गया, तो क्या बचा बताओ, अरे क्या बचा भाई देखो बहुत ही आसान चीज बच रही है, म्यू नॉट आई बाई फोर पाई नीचे डी ऊपर डी नीचे क्या है डी स्क्वायर नीचे क्या आ गया सर डी, क्या ये कॉन्स्टेंट है नहीं, अरे है ना, और क्या बचा कॉस फाई और डी फाई, तो क्या बचा बच्चों कॉस फाई, अरे बहुत ही आसान हो गया, अरे सिर्फ जो देखो बहुत ही आसान डेरिवेशन है, मैंने शुरुआत में सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, अरे भाई समझ जाओ फॉर्मूला लिखा, मैंने आपको बताया हर एक टर्म एकदम क्लियर होने चाहिए, वास्तव में है क्या थीटा किसके बीच बन रहा है, अरे ठीक
ठीक है ना, आर क्या है बच्चों, वायर से पॉइंट को मिलाते हो, इधर क्या है डीएल और आर के बीच एंगल, ठीक है ना। अल्फा बीटा ध्यान देना क्या है, परपेंडिकुलर और वायर के एंड के बीच। अब बच्चों बी नेट के लिए क्या करोगे, बी नेट इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, बी नेट क्या करोगे इंटीग्रेट, कहां से कहां तक बच्चों वैली, कहां से कहां कैरी हो रही है, पाई ही है, कहां से कहां तक, अल्फा से बीटा, तो म्यू नॉट आई बाई फोर पाई के बच्चों क्या हो जाएगा, फोर पाई डी क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्स्टेंट डी क्या हो जाएगा बाहर, यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, कॉस बाई थ्री फाइव, कहां से कहां तक, अल्फा से बीटा, डी फाइव ऊपर है सबस्क्रिप्ट में नहीं है, ठीक है। तो कॉस फाइव का इंटीग्रल क्या होगा बच्चों, साइन फाइव, कितना होगा म्यू नॉट आई बाई फोर बाई डी, क्या बचेगा बच्चों, साइन फाइव बचेगा, पहले बीटा रखो क्या हो जाएगा फिर साइन बीटा, और अल्फा रखो क्या हो जाएगा साइन है, साइन बीटा माइनस साइन, आगे समझे, डेरिवेशन बहुत ही आसान था सोचो। अरे बच्चों मैंने यही तो लिखा सबसे पहले फॉर्मूला, अरे लिखा उसके बाद क्या किया बताओ, हाँ सारे को भाई एक वेरिएबल के उसमें लिखना हो, और वो कौन सा वेरिएबल हो तुम्हारा, फाइव, कि फाइव वेरिएबल है अल्फा और बीटा के टर्म्स में, बस उसको बाद ये रख दिया, तो ये हमारा एकदम टूटता इतना आ गया, बस उसको इंटीग्रेट कर, सारे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन क्या है सेम, वो आसानी से इंटीग्रेट हो जा रहा है। अरे ठीक है, ये क्या क्या पिछले तुम्हारा बी नेट आ गया स्टेट बार का, अरे आया कि नहीं आया भाई, क्या हुआ मैं भाई बताओ, ये देखो ये बच्चों जनरल है, ठीक है ना, इसमें कई किसी भी टाइप के जनरल स्टेट वायर पर ही लागू होगा, अरे स्ट्रेट वायर से ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिफाइन होगी ना, अरे ठीक है, तो स्ट्रेट वायर पर ही लागू है, जब मैंने स्ट्रेट लिखा है स्ट्रेट भी लिखा है, कॉमन सेंस है, अरे ठीक है, अरे नहीं नहीं मुड़ा चुड़ा वायर है ये, ऐसा सर्कुलर है तो ऐसे इस पर भी लगा दिया साइन अल्फा और साइन बीटा, अरे ठीक है स्टेट वायर पर ही लागू होगा, क्यों डी कैसे डिफाइन करोगे, अरे स्टेट वायर के लिए डिफाइन करो, क्या क्या समझ में। अच्छा बच्चों अगर देखो क्या क्या मैंने जब मैं एएसटीसी में पढ़ा रहा था मैंने बताया था अगर यहाँ से यहाँ चल दिया हो मान लो एंगल थीटा हो गया, इसमें क्या ले सकते हो पॉजिटिव एंगल 360 माइनस थीटा ले सकते हो, और एक और तरीके से कर सकते हो माइनस थीटा, क्योंकि अगर उल्टा चलोगे क्या हो जाएगा बच्चों माइनस थीटा हो जाएगा। तो अच्छा बच्चों अगर मान लो दोनों एंगल अल्फा और बीटा क्या है तुम्हारे, ये रेफरेंस लाइन है तुम्हारी परपेंडिकुलर, रेफरेंस लाइन तुम्हारी है ना, ये दोनों क्या है बच्चों इसके ऊपर है, इस रेफरेंस लाइन के ऊपर है, तो दोनों क्या है पॉजिटिव, बट अगर मान लो ऐसा कुछ केस आ गया ये पॉइंट तुम्हारा इधर है, ये कितना एंगल बना रहा है अल्फा और कितना एंगल बना रहा है या ऊपर वाले को बीटा कहते हैं नीचे वाले को, अभी क्या हो गया अल्फा, तो अभी जब तुम लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड इस वायर का क्या क्या लिखोगे क्या चेंज आएगा, ये जो तुम डेरिवेशन किए हो इसमें क्या माने हो, तुम ऊपर माने हो ना एक ही डायरेक्शन में माने, नहीं माने, बट यहाँ पर अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों नीचे जाओगे तो नीचे जाने के लिए क्या लिखोगे उसको माइनस अल्फा लिखो, अगर ऐसा केस आ जाए इसके नोट लिख लो स्पेशल केसेस पहले ये चित्र बना लो, अगर ऐसा केस आ जाए यहाँ पर अल्फा क्या होगा बच्चों फॉर्मूले में तो निगेटिव में रखना होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चों म्यू नॉट आई बाई फोर पाई डी,
बीटा तो पॉजिटिव ही है बट अल्फा क्या रखना होगा बच्चों, साइन माइनस अल्फा, और साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बी कितना जाएगा म्यू नॉट आई बाई साइन थीटा प्लस साइन लिखिए, ठीक है। अच्छा बच्चों बुक्स में क्या करते हैं सोचो, बुक्स में ये जो मैंने ये डायग्राम बनाया है इसके क्या बना देते हैं बोलो, ये डायग्राम बना देते हैं, खुद सोच लो ये स्पेशल केस होगा जनरल केस होगा, ये स्पेशल केस है जब वायर तुम्हारे नीचे है इससे ये आ जाएगा आराम से, उससे ये कैसे निकालो, अरे ठीक है वही बुक देखना या नोटर वगैरह भी देखना उसमें वो अलग से बनाया है शुरुआत में, अरे ठीक है। अच्छा एक होता है बच्चों तुम्हारा वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, उसे लिख लो इनफाइनाइट लेंथ वायर, हाँ दूसरा क्या है इनफाइनाइट लेंथ इनफाइनाइट लेंथ वायर का मतलब क्या होगा बच्चों, जैसे मान लो ये एलिमेंट ठीक है ना, ये मान लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, एक होता है इनफाइनाइट एक होता है सेम इनफाइनाइट, दोनों में अंतर बताओ क्या होता है। इनफाइनाइट का मतलब क्या है बच्चों, क्या यहाँ पर जोड़ सकते हो क्या इसको, नहीं और ऊपर है यहाँ पर जोड़ दिया नहीं अभी भी नहीं, और ये कितने लेंथ का है बच्चों इनफाइनाइट लेंथ का है सर, अभी भी गलत जोड़ा है अभी यहाँ जोड़ दो नहीं सर अभी भी नहीं सही किया, और जोड़ दो सर अभी भी नहीं सही है सर और ऊपर जाएगा, तो अगर बढ़ाते चले जाओ देखो एंगल बढ़ता चला जा रहा है एकदम इनफाइनाइट का क्या हो जाएगा 90 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा बीटा 90 का, और नीचे वाला अल्फा भी क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ये वाला भी क्या हो जाएगा, अरे दोनों एंड भाई तुम तो नहीं पता ना कहाँ पर है दोनों क्या हो जाएंगे 90 90, तो ऐसा बना लो ऐसे कॉन्वर्ट कर लेना मतलब तुमको नहीं पता है कहाँ पर है, ये टी है और ये क्या बच्चों पॉइंट बी, इसमें क्या है करंट आई है बात नहीं, तो कितना आएगा बच्चों इसी फॉर्मूले में रख दो अल्फा बीटा दोनों क्या हो गए 90, यहाँ पर लिख लेना अल्फा बीटा क्या हो गए बोल 90, साइन 90 90 क्या हो जाएगा 1, तो बीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा, कितना जाएगा ये बी बीटा, तो 2 by 4 by t कितना हो जाएगा बच्चों, ये नॉट आई बाई 2 पाई डी कितना हो जाएगा d क्या है बच्चों, अरे d क्या है अरे बोलो सारे लोग d क्या है उठी जी बोलो d क्या है बताओ श्रेया जी, हाँ हाँ है क्या है हाँ, अरे चित्र में दिख रहा है कोई वीडियो दिख रहा है ना डी है क्या इसमें, अरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है भाई हाँ वही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आई क्या है इसमें फ्लो होने वाली करंट है, अरे पता चल गया डी क्या है बोलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद है छोटे बच्चे होते थे तो याद रहेगा। दूसरा होता है सेमी इनफाइनाइट
अब सेमी इनफाइनाइट मतलब ये ऐसे टेक्निकली रॉन्ग है कि आधा इनफाइनाइट ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आधा इनफाइनाइट मतलब इस वायर के सेंस में बनता है, मतलब एक इंड वैसे तुमको पता है एक इंड यहीं पर है जहां पर ऐसा है, एक इंड तुमको पता है पर दूसरा इंड तुमको नहीं पता, इसलिए एक इंड फाइनाइट है दूसरा इनफाइनाइट, इसलिए क्या बोलते हो सेमी इनफाइनाइट। ये तीसरा चौथा है सेमी इनफाइनाइट। यहाँ पर बच्चों बताओ अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा कितना हो जाएगा क्या सॉफ्टवेयर जीरो क्यों होगा बच्चों बताओ। अरे ये परपेंडिकुलर है जो तुम्हारा जब इसको इस पॉइंट को इस इंड से मिला होगा तो वो भी इसी लाइन पर आ जाएगी ऐसे, दोनों एक ही लाइन पर है बीटा कितना होगा, ठीक है। और बीटा कितना हो जाएगा बच्चों ये परपेंडिकुलर को उस इंड से मिलाओ कितना बनेगा 90, तो बीटा कितना हो गया 90। अब उसी फॉर्मूले में अगर तो कितना आया था यूनिट आई बाई 4 बाई डी साइन बीटा प्लस साइन अल्फा लिख दो या साइन बीटा माइनस साइन अल्फा भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कितना जाएगा बच्चों ये यूनिट आई बाई 4 बाई डी साइन 90, ये लिख लो ऊपर। देखो बच्चों उसमें 2 पाई डी था इसका दोगुना था ना, अरे 2 पाई डी का आधा करो क्या जाएगा 4 पाई डी, तो जो तुम्हारा फाइनाइट का आधा क्या होगा बच्चों सेमी इनफाइनाइट, राइट, ठीक है। उसका आधा कर लेना सेमी इनफाइनाइट आएगा, राइट, ठीक है। ठीक है। और इसमें मैं लिखवा दे रहा हूं तुमको लास्ट टाइम होते थोड़ा सा लिखवा दे रहा हूँ, बहुत ही आसान है। ड्यू टू सर्कुलर रोटेशन इसका दूसरा यूज, उसके बाद तुमको मैं होमवर्क दे दूंगा, ठीक है ना। ढंग से आइडेंटिफाई कर लेना अल्फा बीटा आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर मूव, ठीक है। बहुत ही आसान डेरिवेशन है, डन है ना। ये बोर्ड में है तो इसको बोर्ड लिख लेना, ठीक है ना। वो किस लेवल में है बायो सेवर्ट लॉ से। अब देखो ये कहानी लिख लो, क्या देखो कहानी बताओ। हाँ लेट्स लिखते हैं, देखो पार्ट वन मैं तो एक स्टेट से क्या बोल रहा था उसने एक स्टेट से पहले तुमको क्या पता कहाँ पर पता करना, मुझे सेंटर पर पता करना, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर, एट इट्स सेंटर, ठीक है। अगले वाचन में कहाँ पर पता करना, सेंटर पर तुमको पता करना। अब देखो बच्चों ये सर्कुलर तो है नहीं, सॉरी स्ट्रेट तो है नहीं, मतलब ठीक है स्ट्रेट तो है नहीं, तो इसमें स्ट्रेट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं नहीं, बट बायो सेवर्ट लॉ तो लगा सकते हैं। अगर बहुत ही छोटा एलिमेंट लो लोगे तो लगभग स्ट्रेट मान सकते हो उसको, मान सकते हो ना, बहुत छोटा ले लो इस धरती पर खड़े हो उसको स्ट्रेट मान स्ट्रेट ही लग रहा है ना तुमको, पर धरती है क्या गोली तो है, बहुत छोटे पार्ट पर खड़े हो तुम तो इसको छोटे से पार्ट लेकर क्या मान सकते हो स्ट्रेट सेक्शन, ठीक है ना। तो बताओ डीएल की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, यहाँ पर डीएल की डायरेक्शन किधर होगी, ये होगी, और आर की डायरेक्शन क्या होगी तुम्हारे भाई, ये होगी, ये होगी ना। उसको किससे मिलाओगे पॉइंट से मिलाओगे, वायर को किससे मिलाओगे पॉइंट से। कितना एंगल बन रहा है बच्चों इनके बीच का, अरे 90 बन रहा है बच्चों ये एंगल, कितना बन रहा है 90। तो जब बी बी लिखोगे क्या लिखोगे, म्यू नॉट I, BL, कितना बच्चों ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है तुम्हारा, रेडियस ही तो है
नेक्स्ट का आंसर क्या है, रेडियस इज क्या है, आइडियल रेडियस 4 बाय आइडियल साइन थीटा, साइन थीटा बच्चों क्या है तुम्हारा साइन 90 बाय क्या लिखोगे तुम, कितना डिस्टेंस है इनके बीच का, इसको एक बार समझ लो। देखो इतना क्लियर होना चाहिए बच्चों, ये थीटा कहां से देख रहे हैं, डीएल, डीएल मतलब करंट की डायरेक्शन, आर क्या होती है, क्या होती है भाई, सारे लोग बोलो क्या होती है आर की डायरेक्शन, अरे बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो सारे लोग, वायर को किससे मिलाते हैं, ठीक है ना, वायर को पॉइंट से मिलाओ, देखो ये एंगल कितना बन रहा है बच्चों 90 डिग्री, नहीं तो अभी सोचो अगर ये पार्ट तुमको क्लियर नहीं होता डेफिनेशन का, तो समझ ही नहीं पाता सर थीटा यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है, अरे ठीक है भाई ये पार्ट क्लियर होना चाहिए। तो अब देखो किसके कारण बच्चों फील्ड की डायरेक्शन किधर आ रही है, बताओ रियल की डायरेक्शन में मिले करो करो सारे लोग, किधर बोलोगे आर की डायरेक्शन किधर आ रहा है, या उस तरीके से करो रियल डायरेक्शन में राइट हैंड कथम करो आर नीचे करो पांच सौ किधर आ रहा है, अच्छा यहाँ पर डीएल होगा बच्चों, आर किधर होगा अभी, इधर एरो बनाए लेफ्ट की राइट, अरे वाइट को पॉइंट से मिलाओ, तो करो डीएल क्रॉस आर, डीएल की डायरेक्शन होगी यहाँ नीचे कर लो और आर अंदर है, किधर आ रहा है अंदर, अंदर आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये से और नहीं किधर आ रहा है अंदर, यहाँ भी करो डीएल इधर आर किधर होगा बच्चों, इधर करो डीएल की डायरेक्शन होगी है कर लिया, आर की डायरेक्शन बोलो किधर आ रहा है यहाँ भी कर लो डीएल, ये हो गया ये क्या हो गया आर, डीएल की डायरेक्शन में होंगी है पर ना साइड में क्यों बोल रहे हो तुम, और आर किधर है तुम्हारा इधर किधर आ रहा है अंदर, तो सब कोई भी ले लो सभी काम किधर आएगा बच्चों अंदर आएगा, ये डीएल की डायरेक्शन मिले क्या आर किधर है तुम्हारा, तुम्हारा किधर करंट नीचे आ रहा है ना, हाँ वही किया देखो, हाँ नहीं यार क्या मैं ए क्रॉस बी से कर रहा हूँ राइट हैंड थंब में, रियल की डायरेक्शन हो गई है आर की डायरेक्शन में कर भी करो तब किधर आ रहा है अंदर क्यों, वो वाला तरीका भी सोच लो, रियल की डायरेक्शन में थंब कर लिया बोलिए आर की डायरेक्शन में पांच सौ कुछ इधर आ रहा है अंदर, ठीक है सेम ही है, तो सारे डीबी क्या है बच्चों और डीबी क्या है, और डीबी क्या तुम्हारे सेम डायरेक्शन, जाओ थंब रूल क्या क्या मुझे पता है ये भी हो गया बहुत है बहुत है स्टूडेंट्स, क्या हो गया तुम्हारा बीनेट क्या होगा बच्चों तुम्हारा इंटीग्रल डीबी, अरे जोड़ सकते हैं ना भाई, क्यों जोड़ सकते हैं क्यों क्यों हमेशा ये लिखता हूँ बताओ, हाँ तभी जोड़ सकते हैं, ये आल लिख दिया मैंने गलती से डी एक एल लिखना भूल गया, ओके ऑल डी बी इन सेम डायरेक्शन, तो क्या कर सकते हैं उसको जोड़ सकते हैं कि बेटर क्वांटिटी है ना डायरेक्शन का ध्यान रखना होगा, तो बच्चों क्या क्या कांस्टेंट है इसमें बताओ, म्यू नॉट आई कांस्टेंट है, 4 पाई आर स्क्वायर भी क्या है कांस्टेंट है, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया बच्चों कांस्टेंट, और यहां पर क्या क्या बच्चों सर डीएल, डीएल क्या है इंटीग्रल डीएल क्या है बच्चों, इन सारे लेंथ के एलिमेंट को जोड़ दो कितना आ जाएगा तुम्हारा, देखो कितना आ गया 2 पाई आर एल आ गया, एल कितना आ जाएगा बच्चों बी ने म्यू नॉट आई by 4 pi r square into कितना जाएगा 2 pi r कितना जाएगा, अरे भाई 2 pi से 4 pi कितना हो जाएगा 2, और नीचे क्या बचेगा सिंगल r, अरे आ नहीं आ गया b लेट क्या आ गया 0 i by 2 r,
देन है ना उसमें इनफाइनाइट वाले में क्या था बच्चों, टू पाई आ रहा था, टू पाई डी, बट इसमें क्या था टू आर है सर, इसमें टू पाई था ना, ध्यान देना इसमें क्या है सर। ओके अब तो पार्ट दीजिए बेसिक थ्योरी क्या लिखेंगे, हाँ बेसिक थ्योरी क्या लिखोगे, अरे लिखो क्या, हाँ वो लेट्स टेक बताओ लेट्स टेक शर्मा भी बताओ कौन बताएगा, माँ का लड़ना सर पापा की परी कौन बताए, तो बताया था ना जब मैंने टिकट पढ़ा था उसमें डॉट क्या होता है प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर, अरे पता है क्रॉस मतलब क्या है परपेंडिकुलर टू प्लेन इन वर्ड, अरे पता है सभी को यस सर, और क्रॉस का मतलब क्या हो गया डॉट परपेंडिकुलर सर मतलब सॉल्व करना है परपेंडिकुलर टू प्लेन और ओके तो सिंस आर डी बी आर इन सेम डायरेक्शन दे कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड, ठीक है ना, तो बी नेट क्या हुआ इंटीग्रल डी बी, ये कांस्टेंट के बाहर निकाल लिया, उसके बाद डीएल का इंटीग्रल क्या आया बहुत ही आसान है, ऐसे सिंपल सा फॉर्मूला दिया इसके बाद इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है। ओके इस पर बेस्ड मैं क्वेश्चंस लाओ मैं बता दूं व्हाट इज व्हाट इज मिल गया ना, सैटरडे संडे को तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास हो जाएगी, हमारा इस बार टेस्ट भी हो जाएगा। सर जी हां जी मतलब वो संडे के बोला संडे के संडे वैसे डीबी वन कर लेते वो मत देखो डीबी वन, अच्छा सुनो अच्छा सॉरी एक मिनट एक थोड़ा सा एक बता दे रहा हूँ मैं, अच्छा बच्चों अरे सुन लो भाई एक मिनट, अच्छा सुन लो अगर बच्चों इसमें सेमी सर्कुलर वायर होता तो बी नेट कितना आता बच्चों, अरे डीएल कितना होता तुम्हारा पाई आर हो जाता ना सर, तो कितना आता म्यू नॉट आई बाई फोर आर आ जाता, अरे याद नहीं आता, अच्छा इसी तरह मान लो अगर थीटा एंगल होता तो कितना आता, कैसे करो यूनिटरी मेथड से कर लो, अरे भाई टू पाई का टू पाई पूरा एंगल होता नहीं होता, पूरे टू पाई एंगल करो कितनी आता है फील्ड म्यू नॉट आई बाई टू आर आता है ना, तो यूनिट एंगल करंट कितना होगा टू पाई से डिवाइड करो कितना जाएगा नीचे फोर पाई आर, तो थीटा एंगल करंट कितना होगा थ्री नॉट आई बाई
फोर पाई आर तू टेंजेंट थीटा किस में रखना तुम रेडियन में अगर 60 डिग्री क्या लिखना है पाई बाई थ्री यहाँ पर देखो इसमें थीटा की वैल्यू पाई रखो कितना आ जाएगा डिवाइड बाई बाई फोर आर ये आ जाएगा ठीक है तो थीटा एंगल तो इसको एक्सटेंड कर सकते हो ठीक है किसी एंगल के लिए भी तो निकाल सकते हो कितना भी सेक्शन का लेंगे ओके होमवर्क दे रहा हूं मैं लिख लो ए बी वन इसके बच्चों एग्जांपल्स भी कर लेना काफी अच्छे हैं कल मैं बता देना तुम्हें गोल्डन की पॉइंट पे एक्सप्लेन कर दूंगा ऐसे बता दूंगा ईबी वन कर लेना इलस्ट्रेशन सेवन लिख लो अच्छा ग्रुप पर भी डाल दो देखो ईबी वन इलस्ट्रेशन सेवन एग्जांपल सेवन एग्जांपल सेवन ठीक है सुन लेना ध्यान देना इस पर क्वेश्चंस आते हैं जेईई को देखना है यहाँ पर पिछले इसके देखना कितने क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर इसके अलावा भी कर लेना इसमें जो एक्सरसाइज वगैरह में तुमको मिल जाएंगे ना एक्सरसाइज वन वगैरह ठीक है बहुत ही अच्छी बनी है ठीक है अरे इसमें एक्सरसाइज वन में भी अगर तुमको टाइम मिल रहा है तो इस पर भी इसको क्वेश्चन से उत्तर देना ठीक है यही सर्वर और स्टेट करंट भी है थैंक यू